बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इशाद डेयरी फार्म, अज असी वीडियो बनावांगे छोटे बछड़े ते बछड़ियां दे उत्ते इन्हां दी खुराक दे बारे च गल करांगे ते इन्हां नूं सैपरेट किस तरह रखना उस दे बारे च गल करांगे। सब तो पहले जदों हो जाण वजन इन्हां दा, देख लो तुहाडे सामने आ वीडियो दे विच, इन्ने जो हो जाते हैं इस कद जिन्हें बछड़े या बछड़िया उन्होंने जी तुसी खुराक पानी हो वह सुखा चारा ड्राई खुराक पानी है, ता क्योंकि सबस चारा जड़ा है वह नुकसानदेह हुंदा, ड्राई चारा जड़ा है इन वास्ते बेहतरीन रह जाता। ड्राई चारे दे विच भूसा ते वंडा ते हल्का जा थोड़ा जा सैलेज का टच देना तुसी विच। देख लो साढ़े बछड़े बछड़ियाँ माशाल्लाह तंदुरुस्त, किसी का पेट नहीं निकलिया हुआ। ड्राई खुराक इस वास्ते खवानी चाहिए है क्योंकि इन्हों का पेट जरा बाहर नहीं निकलता, पेट लमकता नहीं गा, तो सबस चारा खाने इन्हों का पेट बाहर निकल आता, लमक जाता ना, फिर इन्हों का कद व्डा हों ना ही फिर वजन बढ़ता, तो बेसुरे जे इन्ह की जसामत हो जाती है, ठोस जसामत इन्ह की नहीं बनती। तो इस वास्ते सानू चाहिए इन्हों ड्राई खुराक खुना खवानी चाहिए आ, वंडा तो भूसा या फिर लूसन की हे बना लो, हे कहते लूसन पहले वढ़ना वढ़ लो, उन्होंने फिर तुसी छां दे उत्ते खुश्क कर लो, वो फिर हे कहलांदी आ। उस तो अलावा जड़े छोटे होंगे इस तो पहले यानी कि जिन्हें बिल्कुल फ्रैश कोविंग होंगी या छोटे होंगे बिल्कुल, उन्हां वास्ते तुसीं अलग पिंजरे तैयार करोगे, तकरीबन उन्हां नूं तकरीबन 3 या 4 हफ्ते या 1 महीना उन्हां नूं तुसीं जड़ा इदा पिंजरियां दे विच रखोगे, इस तरह के तुसीं केज बना लेने आ ते इन्हां दे विच रखोगे। इन्हां दे विच रखण दा फायदा यह हो जाता, एक तो ये मिट्टी नहीं खाणगे, दूसरा जरासीम तो बचे रहणगे, साफ सुथरे रहणगे, ते मिट्टी वगैरह भी नहीं खाणगे, बीमार नहीं होणगे, जरासीम तो बचे रहणगे। इन्हां नूं तुसीं निपल दे नाल फीड कराओगे, दूध पिलाओगे, तो जो ये थोड़ा जिहा खाण वाले हो जाण ते इन्हां नूं फिर तुसीं वंडा वगैरह पा सकदे हो थोड़ा बहुत। देख लो माशाल्लाह बेहतरीन तंदुरुस्त पानी पीण वाला हो गया वे, हुण ते पानी रखा। जिन्हां भाइयों ने मेरा चैनल हाले तक सबसक्राइब नहीं किया मेरा चैनल सबसक्राइब कर लें। देखो किसी का भी पेट नहीं निकलिया हुआ, बिल्कुल फ्रैश आ। ये जो गैदरिंग दे छंदे देखो हुण उहदे नाल आ के खड़ा होया, उहदे कान जड़ा चटन लग पिया, ये फिर इस वास्ते भी केज च रखी दे, दुध पीण तो बाद एक दूसरे नूं बहुत ज़्यादा चटदे, आदत बन जाती है। तो जो 6 महीने तकरीबन 6 हफ्ते रख के उस बाद तुसीं इन्हां नूं बाहर कढ दोगे, जिदा हुण दूसरे साइड फिरदे आ, इस तरह तुसीं भी कर सकदे हो। हुण आ जिहड़ा बछड़ा है इहदा पेट निकलिया होया, इहनूं डिवर्मिंग भी कीती आ, फिर भी इहदा पेट सही नहीं रहा, तो बाकी तकरीबन सारे ठीक आ। जदों पेट निकल आता उदों जानवर जिहड़ा कद नहीं कढ़दा, वजन नहीं बणांदा, उहदा पेट ही पेट थले लमकिया रहिंदा, तो वह फिर ग्रोथ ज़्यादा नहीं कर सकता। ग्रोथ हुंदी है लेकिन कद वड्डा नहीं हुंदा, छोटा ही रह जाता कद उहदा। ये गर्मी की वजह नाल कुछ इस तरह होया, गर्मी हैगी बहुत ज़्यादा, तो हुण जिस तरह मौसम सैट हुंदा जाएगा तो ये भी इंशाल्लाह सैट हुंदे जाणगे, इन्हां दी जिहड़ी स्किन ना वह भी अच्छी हुंदी जाएगी। स्किन नूं शाइन करन वास्ते तुसीं जिहड़ी पानी वाली इन्हां दी होदी आ उहदे विच तुसीं जिहड़ा सरसों का ऑयल पा दिया करो, सरसों का ऑयल दे नाल जिहड़ी आ स्किन दे विच शाइन भी आउंदी आ, तो इन्हां दा मैदा भी बेहतरीन रहिंदा, सैट रहिंदा वा, तो उस तो अलावा बीमारियां भी घट लगदियां मेदे दियां। ठीक है जनाब, उस तो अलावा होर केड़ी गल रह गई आ, दो तीन वीडियो होर भी मैं अपलोड कर चुकिया वा जानवरों के बारे में, गावों के बारे में, फार्म के बारे में। काफ़ी लोगों का कमेंट्स आता भी असी
डेयरी फार्म यानी कि कोई मुनाफा वगैरह हैगा भी है तो शुरू करिए तो किन्ने पैसों तो शुरू करिए तो किन्ने पैसों तो ना करिए किन्ने जानवर रखिए ये भी इंशाल्लाह एक वीडियो बनावांगे। आज फिलहाल ये छोटे बछड़िया वीडियो बनाने बछड़े तो बछड़िया। जिन्हां भाइयों ने मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो मेरा जल्दी जल्दी चैनल सबसक्राइब कर लैन तो वीडियो नू लाइक भी कर दिया करो। अगली वीडियो के नाल मिलांगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।